सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी ट्रैवल ब्लॉगर में। तो दोस्तों आज का हम लोग ब्लॉग बनाने जा रहे हैं गोड़ैला पहाड़ का। यहाँ पे दोस्तों शंकर जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर स्थित है और दोस्तों पहाड़ के ऊपर में माँ दुर्गा बजरंग बली का भी मंदिर है। और दोस्तों इसका कहानी बहुत ही अचंभा कर देने वाला है। लोगों का नाम है कि ये शंकर जी का बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में कोई जानते नहीं है और बहुत ही दोस्तों चमत्कारी मंदिर है। तो अब हम लोग पहाड़ के ऊपर जाने वाले हैं, तो इसके बारे में और आइडिया तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर पंडित जी ऊपर में होंगे तो उनसे इस पहाड़ के बारे में फुल डिटेल लेंगे। तो बने कर रहिएगा दोस्तों वीडियो के एंड तक, और जो लोग दोस्तों नए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गोड़ैला पहाड़ की यात्रा शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों हम लोग यात्रा शुरू बात कर दिए हैं और ये देख सकते हैं हमने स्टेप चढ़ना पहाड़ की ओर शुरुआत कर दिया है और गोड़ैला पहाड़ की यात्रा भी शुरुआत कर दिया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे दोस्तों, चारों तरफ से देख सकते हैं हम लोग प्राकृतिक के बीच में हैं। और अभी धूप भी ख़त्म है और छांव भी है तो अच्छा लग रहा है चलने में, बट कठिनाइयाँ थोड़ी बहुत हो रही है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर साइड में देखिए छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऐसे तो दोस्तों ये पहाड़ आपको खाली मिलेगा, बट सोमवारी के दिन में थोड़ा सा भीड़ मिलेगा। वीडियो दोस्तों ऐसे बनाते रहूँगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो वीडियो में टाइम लैप्स लगा देता हूँ, आप लोग टाइम लैप्स इंजॉय कीजिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग शायद लगभग आधा दूरी हम लोग तय कर चुके हैं और 200 सीढ़ियाँ हम लोग तय कर लिए हैं। आते हैं पीछे साइड का। अभी भाई माउंटेन का ये देखिए भाई कितना अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दूर तक आप सिर्फ हरा भरा आप लोग को देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये पहाड़ पर आके बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, लेकिन फिर भी भाई चलना तो पड़ेगा। तो चलिए भाई आप लोग भी वीडियो में बने रहिए, स्किप ना करें वीडियो को और पूरा देखें। अभी ऊपर भोले शंकर बाबा का दर्शन भी करना है और वहाँ ये मंदिर के बारे में फुल डिटेल भी लेना है। सो फाइनली दोस्तों हमने अपना इतना दूरी तय करके मंजिल पा लिया है और रोहित भैया अभी साथ में चल रहे हैं। हमने सीढ़ी भी गिना, टोटल 300 सीढ़ी है और मंदिर मेरे सामने ही दिख रहा है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का व्यू, चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ियाँ ही है ये साइड। यहाँ से भाई काफ़ी ऊँचाई पर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा आनंद भी लग रहा है। चलिए इतना परेशानी उठाए तो ये व्यू के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग मंदिर का दर्शन करते हैं, चलिए।
सो फाइनली दोस्तों हम लोग गुड़ैला पहाड़ और बाबा तिलेश्वर नाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर के प्रवेश द्वार इंटर हम लोग कर गए हैं। और ये मंदिर में पीछे साइड का व्यू आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आए हुए और ये पंडित जी बैठे हुए। तो आइए इस मंदिर के बारे में कुछ इनसे जानकारी लेते हैं। बोलिए, ये ना पुराना मंदिर है ये बाबा, ये रामा अवतार के समय का पुराना मंदिर है। रामा अवतार के समय की बात है। ये तारिका द्वारा निर्मित है, बक्सर से तारिकेश्वर नाथ कहलाते हैं। अच्छा, तारिका इनका स्थापना किया है बाबा का। अच्छा, वही पूजा पाठ किया। बाद में हम लोग एक जादव जी को स्वप्न दिए गोरैला का, उसके बाद पूजा शुरू होने लगा धीरे धीरे। उसके बाद सासाराम के गोसाव जी आकर मंदिर बनवा दिए। यहाँ ये वाला मंदिर बन गया है। हाँ, मंदिर बन गया। अरे यहाँ अच्छा, ये सर कितना पुराना मंदिर है? रामा अवतार की समय की बात है। तारकेश्वर तारिका द्वारा निर्मित राम भगवान, रामा अवतार, राम जी अवतार लिए थे। तो राम जी त्रेता युग में अवतार। हाँ, तो उसी समय तारिका का अथी हुआ था, रावण की नानी ने थी तारिका। अच्छा, तारिका द्वारा ये स्थापना किया गया है। तारिका स्थापना इनका किया है। अच्छा, ये मंदिर का बाबा का, बाबा तिलेश्वर नाथ, तिलेश्वर नाथ का। यहाँ पे माँ दुर्गा का भी मंदिर है और बजरंग बली का भी। एक आप बजरंग बली बगल में है, दुर्गा माँ वहाँ है। अच्छा, तो ये तो मतलब बाद में बना होगा ना ये दोनों मंदिर? हाँ, ये सब तो हम लोग का सामने है। जी सर, कितना ऊंचाई पर है पहाड़? सर उसके बारे में नहीं बता सकते सर। अच्छा जी साहब, चलिए बढ़िया है, धन्यवाद बताने के लिए। जी सर, जी सर। तो कुछ इस प्रकार का व्यूज मंदिर के ऊपर आप लोग को दिखा रहे हैं और ये कुछ विशेष जानकारी आप लोग के पंडित जी ने बताया काफ़ी अच्छे तरीके से। ये रामा अवतार के समय का ये मंदिर है। आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये मंदिर कितना प्राचीन है और कितना आध्यात्मिक मंदिर है। और देख सकते हैं चारों तरफ से ये यहाँ पे घंटी लगा हुआ है। और कुछ बाहर साइड का आप लोग को व्यूज़ दिखाते हैं। ये देखिए हम लोग कितना ऊंचाई पर हैं, ज़मीन से तकरीबन हम लोग 550 फीट की ऊंचाई पर हैं, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। और वो देखिए वो साइड में पूरा यहाँ का गांव दिख रहा है। और काफ़ी दोस्तों अच्छा मंदिर है। और घंटी चढ़ाया हुआ है भगवान को। कबला किए थे। अच्छा, तो चलते हैं मंदिर के टॉप पर और टॉप पर का नज़ारा आप लोग को दिखाएंगे। ये आ गए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। सबसे ऊपर मंदिर के हम लोग सबसे ऊंचाइयों पर आ चुके हैं और वहाँ पे दोस्तों माँ दुर्गा का मंदिर है, वहाँ पे भी जाके आप लोग को थोड़ा दिखाएंगे। तो पहले ये व्यू का आप लोग इंजॉय कीजिए। सो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग पीछे का व्यूज, कितना हम लोग ऊंचाइयों पर आ सकते हैं। और पंडित जी ने काफ़ी अच्छा इस मंदिर के बारे में हम लोग को डिटेल दिया कि ये मंदिर राम जी के समय का है, तारिका ने ये मंदिर को निर्माण किया था। और हम लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा है इस मंदिर पे आके कि हम बता नहीं सकते हैं, जाने का मन नहीं कर रहा है। इतना अच्छा हवा बह रहा है, बहुत ही दोस्तों तेज़ यहाँ पर हवा चल रहा है क्योंकि हम लोग इतना ऊँचाई पर आ गए हैं। इतना चढ़ने के बाद सुकून मिल रहा है। अब सही बात कर रहे हैं, इतना हम लोग चढ़े हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस मंदिर के बारे में भी जानकर हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग भी एक बार यहाँ पे आइए, सोमवारी के समय में काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं जल चढ़ाने भोले बाबा पर, और नवरात्रि के समय भी लोग आते हैं। सावन के समय में तो दोस्तों और भी ज़्यादा भीड़ रहेगा। हम लोग को तो लग रहा है कि आज यहीं पर स्टे कर लें क्या भैया? इतना हम लोग को अच्छा यहाँ पे आके खुशी मिल रहा है, नींद आएगा तो एक ही बार कल उठेंगे। भोले बाबा का मंदिर है, द्वार है। और ये देख सकते हैं भोले बाबा का मंदिर ऊपर साइड में।
हनुमान जी का यहाँ पे मंदिर है, शंकर जी भोले बाबा के मंदिर के बगल में। बोलिए जय श्री राम। ये देखिए यहाँ पे जय बजरंग बली। तो अब चलिए अब आप लोग को दुर्गा माँ का मंदिर एक और है, वो भी दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों चल पड़े हैं हम लोग माँ दुर्गा का मंदिर के रास्ते, और देख सकते हैं चारों तरफ हम लोग पहाड़ियों के बीच में घिर चुके हैं और जंगलों से छाई हुई है, बारिश कभी भी हो सकता है, हम लोग भी फंस जाएंगे, देखा जाता है। लेकिन जब तक दर्शन करेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भैया, भींग जाएंगे, भींग जाएंगे और क्या होगा? बस भींग जाएंगे, भींग जाएंगे, भींग जाएंगे। इतना तो कर ही सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, प्राकृतिक का जो देन है आप लोग दिखाना चाहते हैं और हम लोग भी खोजना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ भोले शंकर और हमारी माता बैठी हुई है, वो भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। प्राचीन मंदिर, त्रेता युग का मंदिर, सतयुग का मंदिर सब है यहाँ पर। अभी बारिश तो होने वाला है, हो गया है बारिश स्टार्ट। हम लोग बारिश में पकड़ा गए हैं, भीगना चालू होगा और के भाग रहे हैं। देखिए बारिश बैकग्राउंड। हो भाई हम लोग देखिए बहुत ज़्यादा भींग गए हैं और बारिश काफ़ी तेज यहाँ पे आ चुका है और हम लोग देवी माँ के मंदिर में यहाँ फंस चुके हैं, रुके हुए हैं। और हमारे साथ और भी है, ये देखिए गाय माता भी यहाँ पर छुपे हुए हैं और एक तो यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग को और बहुत तेज यहाँ पे हवा चल रहा है। मतलब भाई फंस चुके हैं, सही में यहाँ रुकना पड़े। तो चलिए पहले दर्शन करा देते हैं ये साइड में, और अभी तो गाय माता यहाँ पे देख सकते हैं अड्डा जमा हुए, और आप लोग को दूर से दिखा देते हैं देवी माई का मंदिर बैक कैमरा। हेलो भाई, बुरी तरह से भींग गए, ये देख सकते हैं कपड़ा से हालत से हम लोग का। तो अब वीडियो भाई एंड करते हैं, आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अब हम लोग भी देखते हैं कैसे यहाँ से निकलते हैं। तो वीडियो पसंद आए भाई तो लाइक करिए भाई, इतना मेहनत हम लोग किए हैं पहाड़ के ऊपर आए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, जय महाकाल, जय माता दी।